ये बात तो सच है ना अभय दुबे जी, आप लोगों की ये जो डबल इंजन वाली सरकार, नहीं नेता कह सकते हैं, दो इंजन, कोई इधर लेकर जाता है कोई उधर लेकर जाता है, उससे आप लोगों को हमेशा नुकसान होता रहा है। और अभी राजस्थान एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पर सामने है, मध्य प्रदेश में तो सत्ता ही चली गई और पंजाब में नेता चला गया, जिसके बाद आपकी कितनी बुरी हार हुई, तो ये उदाहरण तो सामने है आपके अभय दुबे जी। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ना, मूल बुनियादी, वो यही है कि ये इनके बुनियाद के पत्थरों को उखाड़ कर फेंक देते हैं सत्ता की भूख के आगे। भूल गए बलराज मधोक जी को, 71 में नागपुर के अधिवेशन में किस प्रकार बुरा बर्ताव करके बड़े भरे अधिवेशन से बाहर कर दिया। भूल गए आडवाणी जी को, चिट्ठी लिखी उन्होंने 2013 में कि अपना निजी हित साधने के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, कि निजी हित साधने के लिए लोग आ गए, ये नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी ने रही। भूल गए मुरली मनोहर जोशी जी, क्या हश्र कर दिया कि उनको कहना पड़ा कि उस विद्यार्थी को क्या अंक दूं जिसने कुछ एक पन्ना भी नहीं कॉपी में लिखा, उनसे पूछा कि मोदी जी को कितने अंक देंगे, आपने मैनिफेस्टो बनाया, तो उन्होंने टेलीविजन के सामने ये बात कही। भूल गए आपके यशवंत सिन्हा जी को, भूल गए आपके अरुण शौरी जी को, सारे बुनियाद के पत्थर बारी बारी उखाड़ कर फेंक दिए। और आप अभी बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, अरे अटल जी ने एक बड़ा दल आपका बनाया था एनडीए नाम का, 24 में जो हश्र होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। है जेडीयू आपके साथ, 16 सांसदों का दल जेडीयू अलग हो गया, जो कालांतर से शिवसेना 18 सांसदों का दल था वो आपको छोड़कर अलग हो गया, जो कालांतर से अकाली दल जिसके अभी 2 सांसद हैं वो आपके साथ था वो आपको छोड़कर अलग हो गया, राजस्थान चले जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो अलग हो गया, बचा कौन, ले दे के 2 सांसदों का अपना दल। 24 में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, 100 सांसद भी आपके जीत कराने वाला नहीं है, उसी की हताशा है। महाराष्ट्र में आपने इतना असंवैधानिक काम किया कि वहां पर अपने न सिर्फ अपने जो पुरातन दल था वो अलग हुआ, वहां की सरकार भी हत्या ली। मैं गवाह हूं मध्य प्रदेश में, अभी आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया चित्रा जी, मैं गवाह उस मीटिंग के अंदर था, वहां विधायक दल का प्रस्ताव विधायकों ने नहीं रखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आज भी पूछेंगे आप तो उन्होंने कहा कि विधायकों ये अधिकार मैं लेता हूं आपसे, और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव मैं पारित करता हूं, मैं प्रस्ताव रखता हूं। उसके बाद विधायकों, विधायक दल से एक औपचारिक रूप से प्रस्ताव आया और उस पर सहमति हुई, लेकिन मीडिया ने ये चलाया कि देखिए अंतर्द्वंद है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये सिर्फ मीडिया को चलाने की क्या जरूरत है सर, कुछ समय के बाद आपकी सरकार चली गई, उसी सिंधिया जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो तो उदाहरण सामने है ना सर, मीडिया पर क्यों बार बार आ जाते हैं आप, वो तो कुछ समय के बाद मीडिया ने जो चलाया, देखिए मीडिया जो चलाती है वो कई कुछ समय के बाद सही साबित हो जाता है, सिंधिया के मामले में तो मीडिया ही सही साबित हुई, हमने चलाया अंतर्द्वंद कुछ समय के बाद आपकी सरकार चली गई, यानी कि हम सही खबर चलाते हैं। अच्छा, सिंधिया जी ने 2 मुद्दों पर पार्टी को छोड़ा टेलीविजन के सामने, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसानों की कर्ज माफी, एक, दूसरा उन्होंने कहा कि नियमितीकरण करेंगे शिक्षक शिक्षकों का, दोनों ही मुद्दे बरकरार थे। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, ये जवाब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने पटल पर दिया, उसके बाद से कर्ज माफी बंद है। सिंधिया जी बोलते हैं भी तो सैद्धांतिक रूप से अलग नहीं हुए, हेमंत बिस्वा शर्मा के समय जुलाई में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि वो भीषण तम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, एक बुकलेट निकाली, वहां बुकलेट ले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अगस्त में वो शामिल हो गए। इनके पुराने नेता जिन्होंने पार्टी खड़ी की असम में, सोनोवाल जी को, उनको हटाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया, तो इनका वजूद, ये सिद्धांतों में विश्वास रखने वाला ठीक है, नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, ठीक है, बाहर से आए हुए नेताओं को बहुत तवज्जो देते हैं आप सुधांशु त्रिवेदी जी, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस से तोड़ फोड़ कर ले जाते हैं, अपने नेताओं को किनारे लगा देते हैं, वो बहुत सारे उदाहरण भी गिना रहे थे आपकी पार्टी के नेताओं को। नहीं, जो देखिए, कई बार अभय जी जानकार व्यक्ति हैं पर कई बार भावावेश में ज्यादा बोल जाते हैं। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा से पहले सर्वानंद सोनोवाल जी थे, ऐसा नहीं पार्टी उन्होंने खड़ी की थी, वो भी हमारे असम गढ़ परिषद से आए थे मान्यवर, 2004 के लोकसभा में, और डिब्रूगढ़ से सांसद थे, वो हमारे यहां क्यों आए ये समझिए। IMDT एक्ट था ना, जिसमें विदेशियों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने का था, आपने ऐसा एक्ट बनाया था कि उस पर कोई विदेशी को निकाला नहीं जा सकता था। मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, यदि कोई यह कहेगा अमुक व्यक्ति विदेशी है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है साबित करिए वो विदेशी है। यह था एनडीटी एक्ट, उसके खिलाफ सर्वानंद सोनोवाल गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तब ये सारे सेकुलर दल उनके खिलाफ हो गए, सिर्फ भाजपा ने साथ दिया इसलिए आए थे। इसलिए हमारे यहां जो भी रहता है वो सिद्धांत के साथ रहता है। और मजे की बात ये, जो अभी आप कहने का प्रयास कर रहे थे, आडवाणी जी को हमने, जो हमारी पार्टी के लिए उनका योगदान अतुलनीय है, हम सदैव उसका सम्मान करते हैं, मोदी जी ने उनका पूरा आशीर्वाद लिया,
प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वो 83 वर्ष की आयु में हुए। मैं अभय जी चुनौती से आपसे पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश दूसरा उदाहरण बताइए जहां 83 इयर्स की एज में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई रहा हो, हमने वो सम्मान दिया है। ऐसे नहीं, डॉक्टर जोशी आज भी 90 वर्ष के हैं और उनकी जो भी उनका जो ज्ञान है पार्टी उनसे लाभ लेती है। परंतु मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आपने क्या बनाया उनसे जो पूछ रहे, 120 पी का मुजरिम बनाया उनको, उनको जेल में डालने की कोशिश की तथा कथित बाबरी मस्जिद विध्वंस के नाम पर, और अब आज आके कहने लगे कि हम तो राम मंदिर के साथ हैं। अरे कभी एक ही कह देते कि हमने गलत किया, अब ये मुकदमे हम वापस लेना चाहिए। माता आपने आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम किया और अडवाणी जी और जोशी जी जैसे विराट व्यक्तित्व के नेताओं पे मुकदमे डालने का काम किया। जी, आपकी बातों से मुझे एक सवाल समझ में आया, आप कह रहे हैं 83 साल की उम्र में अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम इस पार्टी ने किया, फिर येद्रप्पा जी कर्नाटक से पलटकर सवाल पूछ लेंगे कि 80 साल की उम्र में फिर मुझे किनारे क्यों कर दिया सक्रिय राजनीति से, ये सवाल तो उधर से आ सकता है। शायद यही बड़ा कारण रहा कि लिंगायत वोट आपस में बटा और एक तरह से शिफ्ट भी हो गया कांग्रेस पार्टी के भीतर। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, अगर आपको वो है तो मैं वही एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको याद हो कि 2009 में इवन संघ ने भी यह विषय कही, पार्टी के अंदर यह तय हुआ, तब यह एक समय सीमा तय हुई कि 75 वर्ष की आयु की बात, तो उसके बाद कोई स्थिति नहीं रही। जो आपने कहा ना अडवाणी जी का योगदान एकदम अलग था, येदुरप्पा जी भी रहे। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, येदुरप्पा जी ने पार्टी खड़ी की और येदुरप्पा जी पार्टी से बाहर गए, फिर बात देखिए उनको एहसास हुआ और आए दोबारा उन्होंने पार्टी को सत्ता मिलाए। और यहां पर एक बात याद दिला दूं, एक ही बार आपकी सत्ता आई 21वीं सदी में इससे पहले जब येदुरप्पा जी बाहर थे, वरना कांग्रेस को पिछले 1999 के बाद से कभी बहुमत नहीं मिला। और अभय जी आप बेकार में मीडिया को कहने लगते हैं, अरे ज्योतिराज सिंधिया ने जो किया था वो तो दिख गया। और छोड़िए, मैं तो उस जमाने मैंने आपसे क्या पूछा, 1885 से 2023 मीडिया कुछ नहीं था 137 साल में, कोई 20 साल बताइए जब कांग्रेस में वर्टिकल डिवीजन ना हुआ, कोई 20 साल आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक। कारण यह है कि कांग्रेस विशेषकर आजादी के बाद सिर्फ सत्ता ओरिएंटेड पार्टी होती चली गई परिवारवाद के चक्कर में। जब जब सत्ता छूटी तब तब कांग्रेस टूटी।